क्या करूं, यहाँ पे किसी ने मेरा शरारत कर दी। वो कोल्ड ड्रिंक में उसने विस्की डाल के मुझे पिला दी। मॉम और डैड को संभाल लेना थोड़ा। हाँ भाई ने कहा है कि शायद आज उन्हें आने में थोड़ी देर होगी, या शायद आज वो आई ना। ये भी पता नहीं कि क्या जरूरत थी। दोबारा शुभम का फोन आए तो उसे जरूर बता देना। जब तुम मेरे साथ होते हो मुझे तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। हाँ कामिनी, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन क्या तुम मुझ पे इतना भरोसा करती हो? क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया भाई। आपने मेरी दवाई में जहर मिलाया है। जहर? मॉम आप फिर से वही बातें करने लग गई। डॉक्टर ने आपको समझाया था ना? तो ठीक है, तुम ये दवाई खुद मुझे अपने हाथों से पिला दो। तुम रो क्यों रही हो कामिनी? अरे मैं तो तुम पर भरोसा करती थी, इसीलिए मैं यहाँ रुकी, पर तुमने मेरे भरोसे को इस तरह तोड़ा कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब मैं क्या करूं? देखो कामिनी, ऐसा तुम्हें कभी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर ड्रिंक्स की हालत में ऐसा सब कुछ हुआ है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं। लेकिन अब अपनी गलती मान लेने से क्या होगा शुभम? नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। नहीं कामिनी, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। हमारे रात भर यहां रहने की वजह से हमारे घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। चलो उठो घर चलो। कामिनी अपने आप को संभालो, और जो कुछ भी रात में हुआ है वो घर वालों को जाहिर मत करना, ठीक है? कामिनी तुम कहाँ थी रात भर? भाभी वो मेरे साथ थी। अगर कामिनी तुम्हारे साथ थी तो तुम दोनों रात भर कहाँ थे? भाभी वो हम दोनों एक पार्टी में गए थे तो वहां पर रात काफी हो गई थी, तो इसलिए हम दोनों वहीं पर रुक गए। शुभम अगर तुम लोगों को पार्टी में जाना था तो बता कर जाते, और अगर बताना भूल गए थे तो कम से कम एक फोन तो कर देते। हाँ भाभी हम मानते हैं कि ये हमारी गलती हुई है जो हम आपको बताना भूल गए। हमने सोचा था कि हम टाइम पे वापस पहुंच जाएंगे, लेकिन जब हम फोन करने लगे तो तब तक वक्त बहुत हो चुका था, तो हमने सोचा क्यों खामखा आपको रात में डिस्टर्ब करें, इसलिए हमने रात में फोन नहीं किया। और तुमने ये सोच लिया कि कामिनी के रात भर घर वापस ना आने के बावजूद भी भैया भाभी आराम से सो गए होंगे, है ना? नहीं शुभम, हम सारी रात कामिनी का इंतजार कर रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे दिल में। आई एम सॉरी भाभी आपको हमारी वजह से परेशान होना पड़ा। शुभम तुम्हारी कामिनी से शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आगे से इतना ध्यान रखना जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक इस तरह की गलती मत करना। Thank you.
क्योंकि शादी से पहले लड़का लड़की का इतना ज्यादा मिलना ठीक नहीं होता है। समझ गए ना? जी भाभी, आई एम सॉरी। चलता हूं। चुप रहो स्नेहा, बेकार की बात मत बोलो। क्या बात है जीजी, आज आपके बड़े साहबजादे नजर नहीं आ रहे हैं क्या? अभी तक अपने कमरे में आराम फरमा रहे? नहीं नहीं मामा, वो तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मजे उठा रहे हैं। तो आजकल बड़े साहबजादे छोटे साहबजादे के नक्शे कदम पे जा रहे हैं? नहीं रूपा जी, वो किसी गलती के आगे नहीं झुके होंगे, बल्कि रात भर किसी काम से रुके होंगे। शकुंतला, क्या शुभम सरियत घर नहीं आया? नहीं नहीं जीजा जी, शुभम ने अपनी रात को कहीं और रंगीन बनाया है। ये सब क्या है शकुंतला? डैड आप काफिया नहीं मिला रहे? शट अप विशेष। शकुंतला, एक तो मैं बिजनेस को लेकर परे से ही परेशान हूं, ऊपर से ये शुभम। आप खड़े क्यों हो गए? मैं ऑफिस में ही खाना खा लूंगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ वो कौन सी पार्टी थी जो पूरी रात भर चली और अब जाकर खत्म हुई है? तुम्हारी खामोशी तुम्हारी पूरी कहानी बता रही है। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है तुम्हारे बिना हमारी रात कैसे गुजरी है। I'm sorry, Mom.
जी मोहतरमा, चाय हाजिर है। थैंक यू शफीक मियां। मोहतरमा, अगर आप कहें तो मैं फोन लगा करके पता लगाऊं कि साहब कहाँ पे हैं। नहीं रफीक मियां, मैंने उन्हें अभी अभी फोन किया है, वो कुछ देर में आने वाले हैं। लगता है साहब आ गए। विक्रम साहब, आप आदाब, तशरीफ लाइए। अरे विक्रम साहब, आप आइए ना प्लीज। युगांग कहाँ है? सर, युगांग तो इस समय घर पर नहीं है, लेकिन मैं फोन कर देती हूँ उनको तो। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, किसी काम में होगा, मैं तो बस यूं ही मिलने चला है। तो क्या आप उनसे बिना मिले ही चले जाएंगे? हम आपसे मिल लिए, बस कॉफी पिला दीजिए, चले जाएंगे। रफीक मियां, एक कॉफी अच्छी सी। जी बेटा। और बताइए मिस अवंतिका। मैं अपने बारे में अब आपको क्या बताऊं? अपने बारे में ना सही, युगांग के बारे में बता दीजिए। युगांग के बारे में? हाँ, युगांग के बारे में। सर, युगांग के बारे में मैं अब आपको क्या बताऊं? जिंदगी ने हमेशा उसके साथ खेल खेला है। अब देखिए ना, कितनी मेहनत से वो आपके साथ बिजनेस सेट करना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत देखिए, उसका साथ भी आपसे छूट रहा है। नहीं अवंतिका, हमारा सिर्फ बिजनेस अलग हुआ है, और वो भी उसकी किस्मत की वजह से नहीं, ये तो मेरी मजबूरी की वजह से। आज आपकी मजबूरी है विक्रम साहब, लेकिन उसके साथ तो हमेशा ऐसा होता आया है, वो जिस रिश्ते को अपना बनाता है वही उससे पराया हो जाता है। क्यों, क्या उसके अपने माँ बाप के साथ संबंध अच्छे नहीं थे? विक्रम साहब, उसकी मम्मी की मौत तो बचपन में ही हो गई थी। और उसे उसके पिता का साथ कभी नहीं मिल पाया। तो क्या मिस्टर प्रताप राय, क्या वो उनके साथ नहीं रहते थे? हाँ विक्रम साहब, क्योंकि प्रताप राय नाम के किसी भी शख्स के साथ युगांग का कोई संबंध नहीं था। पर वो तो अपने नाम के साथ प्रताप राय का नाम लगाता था। वो एक छलावा था विक्रम साहब, जो उसके अपनों ने उसे दिया था। तो फिर उसके पिता? वो अपने पिता की तलाश में ही यहाँ पर आया है विक्रम साहब। अवंतिका, क्या तुम उसके पिता के बारे में कुछ जानती हो? विक्रम साहब, उसके पिता के बारे में तो सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि उसके पिता यहाँ रहते हैं, लेकिन युगांक अपने पिता के बारे में सब कुछ जानता है। अवंतिका, अगर वो सब कुछ जानता है तो वो ये सब अपने पिता को क्यों नहीं बता देता? क्योंकि विक्रम साहब, युगांग को लगता है कि उसके पिता को उसकी वजह से दर्द नहीं मिलना चाहिए, जबकि उसकी सारी जिंदगी उसके पिता की ही वजह से तकलीफों से गुजरी है। लेकिन अवंतिका, ये भी तो हो सकता है कि उसके पिता को उसके और उसकी तकलीफ के बारे में कुछ पता ही ना हो। यही तो उनकी सबसे बड़ी गलती है विक्रम साहब, जब वो उसे इस दुनिया में लेकर आए तो उन्हें उसके बारे में पता क्यों नहीं है? हो सकता है अवंतिका, वो अपनी गलती के बारे में अनजान हो। अनजाने मुझे गलती के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ
कि अगर किसी इंसान से गलती हो जाती है तो उसे दूर भागने के बजाय उसे उसको सुधारना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए विक्रम साहब। आया था कितनी खुशी साथ ले।